बीजेपी विधायक दल का ये फोटो सेशन देखिए। कोने में बैठे ये शख्स मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव हैं। सोमवार शाम करीब 4 बजे तक किसी को इस बारे में अंदाजा भी नहीं रहा होगा। बताया जा रहा है कि खुद मोहन यादव भी इस बात से पूरी तरह से अनजान थे। तभी तो विधायक दल की बैठक के बाद जब फोटो सेशन हो रहा था तो मोहन यादव बिल्कुल पीछे की सीट पर बैठे थे। नाम घोषित होने के बाद उन्होंने खुद इस बात का जिक्र भी किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती और हम सबकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। मैं बाबा महाकाल की कृपा और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सभी नेतृत्व का माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, माननीय वी डी शर्मा जी, सभी के साथ हमने मिलकर के आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है, मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता, 8 करोड़ से ऊपर जनता। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बीच तमाम दिग्गजों के नाम पर चर्चा चल रही थी, लेकिन पार्टी ने सीएम के ऐलान से सभी को चौंका दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।